हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 7 का अपना टॉपिक चल रहा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। लास्ट वीडियो के आप ट्रैंगल बनानी सीखी सी, जिंदे विच के इक्विलेटरल ट्रैंगल आप बनाई सी पहला, उस तो बाद आइसोस्केलस बनाई, उस तो बाद आप की लास्ट ट्रैंगल बनाई सी स्केलन ट्रैंगल। जो आप कल वाले टॉपिक किया उन्हें कि ट्रैंगल की सारी साइड्स गिवन सी, तिने साइड आपां नूं गिवन सी। अज वाली जो अपने को ट्रैंगल गिवन है, मतलब अज वाली जो आप कंस्ट्रक्शन करनी है, उन्हें अपने को है कोई दो साइड गिवन होगी या एंगल गिवन हो सकता है, एक साइड हो दो एंगल हो या दो साइड हो एक एंगल दिता हो। आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज अपने को 14.3। सब तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कह रहा है, ड्रॉ अ ट्रैंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 3.8। क्वेश्चन नंबर 1 है, पी क्यू इज इक्वल टू कि 3.8 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अज मैं कि प्रकार की हैल्प नाल नहीं बना रहा, मैं सिर्फ तुहानू कि ओवरव्यू दे रहा, तुसी खुद बना के दसना है, कमेंट बॉक्स के रिप्लाई करना है तुहाडा कंस्ट्रक्शन किवें दा बनया। अज मैं सिर्फ तुहानू स्टैप दसूँगा तो की उहदा रफ डिजाइन दसूँगा, पूरा मैं नहीं बना रहा, अज मैं सिर्फ रफ डिजाइन बना रहा उहनां दा। तो देखो आप किवें करदे आ क्वेश्चन नूं। सब तो पहला आपां नूं पी क्यू साइड दित्ती है 3.8 सेंटीमीटर, पी आर साइड दिती है 5 सेंटीमीटर, तो एंगल क्यू कि अपने को 75 डिग्री। तो एक जो मैं रफ या डिजाइन बनाव, ये मेरे को आ गया पी क्यू, ओके कि 3.8 सेंटीमीटर, इन उपर 75 डिग्री का की बनेगा एंगल बनेगा, उस तो बाद ए वाली साइड कि होगी 5 सेंटीमीटर। हुण इहनूं बनावांगे किवें, आपां स्टैप बाय स्टैप इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आप स्टैप बाय स्टैप देखो, सब तो पहला की लिखांगे, फस्ट स्टैप की है, सब तो पहला की करांगे आप, एक लाइन सैगमेंट बनाओ 3.8 सेंटीमीटर, नाल दी नाल तुसी वीडियो नूं देखते जाओ, नाल दी नाल तुसी क्या डिजाइन करते जाओ। तो पहला स्टैप की है, ड्रॉ पी क्यू इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, एक पी क्यू लाइन सैगमेंट ड्रॉ करनी है, कितनी होवे 3.8 सेंटीमीटर। ये 3.8 नहीं है, ज़्यादा है, क्योंकि मैं किया स्केल की हेल्प नाल नहीं कर रहा, मैं बोर्ड के उपर बना रहा, रफ डिजाइन बना के दे रहा, ओके। तुसी खुद की है इनू ड्रॉ करना आपकी कॉपी के उपर। हुण देखो पहला स्टैप की सी, पी क्यू इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एक लाइन सैगमेंट ड्रॉ करांगे। हुण अपने कोल जिवें की है, ये वाला अपने कोल की है डी है, ओके, इन दी हेल्प नाल आपां एंगल बनाना 75 डिग्री। मैं क्या सी, जेकर आपां लेफ्ट वाला पॉइंट यूज़ करांगे तो जो इन्दे वाले थले वाले एंगल है उन्होंने यूज़ करांगे, जे आपां राइट वाला पॉइंट यूज़ करांगे तो उपर वाले एंगल आपां यूज़ करांगे। हुण मैं एंगल क्यू बनाउणा 75 डिग्री, तो आपां की है राइट वाला पॉइंट यूज़ करांगे, जदों राइट वाला पॉइंट यूज़ करना है तो इन्दे उपर वाले एंगल यूज़ करो। देखो ये बन रहा 75, जे आपां इत्थे रख के बनाईए इस तरीके 75 बनाइए, इत्थे ही बनता, ओके। जे मैनू की है 75 डिग्री बनाया, इत्थे बनता, मैं किया 75 डिग्री बनाता, लाइन नू किया कुछ अगे तक एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड मतलब अगे तक वधा दो, काफ़ी अगे तक लै जाओ, ओके। ये मेरा एंगल कितना बन गया 75 डिग्री का। सैकेंड स्टेप की है, कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। जरूरी नहीं है 75 ही होएगा, क्योंकि मेरे को मिसटेक भी हो सकती है, मैं कि कॉपी के उपर नहीं बना रहा, मैं बोर्ड के उपर तुहानू एक रफ डिजाइन या ओवरव्यू दे रहा किवें बनेगा, ओके। हुण देखो एंगल क्यू कितना बन गया 75 डिग्री, ए लाइन नू मैं नेम देता एक्स, ए लाइन सैगमेंट नू की नेम देता मैं एक्स, ओके। अपने कोल बन गया पी क्यू एक्स, एंगल बन गया किन्ने डिग्री 75 डिग्री, वैसे ही इनू मैं नाम देता एक्स, क्योंकि अगे आपां इनू की है कट करांगे। हुण उन्हें की कहा पी आर कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। थर्ड स्टैप आपां की लिखांगे, देखो पी आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, तुसी की कंपास नू ओपन करोगे, जिवें वाली अपने कोल कंपास है, इनू 5 सेंटीमीटर ओपन करोगे, ओके। इस तरह 5 सेंटीमीटर ओपन करोगे स्केल दी हेल्प नाल, जदों ये 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया तो पी दे उपर रख के जो टिप है ना, ये वाली इनकी जो टिप है, इनू की पी पॉइंट के उपर रख के इस तरह तुसी एक आर्क लगानी है। आर्क किस तरह लगेगी, ये पॉइंट कट्टिया जाएगा, जो क्यू एक्स है ना, इनू की है आर पॉइंट से कट्टेगी, जेडे पॉइंट से कट करेगी वह पॉइंट की बनेगा अपना आर बनेगा। मैं दोबारा रिपीट करदा, तुसी कंपास ओपन करनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ओपन करके जो प्रकार की टिप है उन्होंने की है पी पॉइंट से रख के
एक आर्क इस तरह लगानी है जो एक्स क्यू लाइन है इनू की है कट करेगी, जिथे कट होएगा वह पॉइंट की हो गया अपना आर पॉइंट। तो आप लिखा विद पी एस सेंटर, पी नू सेंटर मतलब जिथे टिप रखनी है, एंड 5 सेंटीमीटर रेडियस मार्क एन आर्क विच इंटरसेक्ट या विच कट एक्स क्यू एट आर। जदों आप इस तरह आर्क लगावांगे तो इत्थे कट्टी जाएगी, किसी ना किसी पॉइंट से कट्टी जाएगी, कट्टी जरूर जाएगी। ओके, मैं किहड़े पॉइंट से कट्टी गई, आर पॉइंट से। लास्ट स्टैप की है, पी नू ते आर नू की है जॉइन कर दो। फोर्थ स्टैप की है, जॉइन पी आर। तो अपने को ट्रैंगल बन गई है कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये अपने को आ गई पता नहीं साइड अपन कितनी है। ओके, ये 3.8 है तो ये वाली कितनी है 5, तो ट्रैंगल बन गई। हैंस ट्रैंगल पी क्यू आर इज रेडी। तो अपनी ट्रैंगल बन गई पी क्यू आर, जिंदे विच की है डायमेंशन की है 3.8, 5 सेंटीमीटर, तो एंगल कितना 75 डिग्री। इस तरीके नाल तुसी फर्स्ट क्वेश्चन की है कंप्लीट कर सकते हो। उस तो बाद अपना क्वेश्चन नंबर 2, उस तो बाद आ गया अपना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप किवें सॉल्व करांगे। क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्ट ए ट्रैंगल एक्स वाई जैड इन विच एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जैड इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर, एंगल एक्स इज इक्वल टू किन्ना 105 डिग्री। हुण आपां ट्रैंगल बनाउणी है जिंदे विच की कह रहा है एंगल एक्स दिता 105 डिग्री, एक्स वाई ते वाई जैड दोवें किन्ने 4.7 सेंटीमीटर। तो आपां सब तो पहला की करांगे, किसी एक लाइन सैगमेंट नू ड्रॉ करो। तुसी की करोगे एक्स वाई, मैं एक लाइन सैगमेंट बनाती एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप की हो गया, ड्रॉ एक्स वाई इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। स्केल दी हेल्प नाल तुसी 4.7 सेंटीमीटर लंबी एक ही लगाओगे लाइन सैगमेंट। हुण अगे की क्या उन्हें एक्स के उपर किन्ना एंगल बने 105 डिग्री। तो यह देखो ये अपने को है कंपास है, सॉरी डी है, डी की हैल्प नाल 105 डिग्री। हुण पॉइंट केड़ा लैके चलना, एक्स के उपर एंगल बनाना किन्ना बनाना 105 डिग्री। तो तुसी एक्स के उपर जदों इनू रखोगे तो तुसी केड़े वाले एंगल देखोगे, उपर थले वाले एंगल देखोगे, केड़े एंगल देखोगे थले बने आ। ओके, 105 इत्थे जी बन रहा विचाले जी। तो आप जे इनू रख के बनाईए 105 डिग्री तो इत्थे जी बनेगा। ओके, 105 डिग्री अपने को बन गया एंगल बन गया। इस लाइन नू की है उपर तक इनक्रीज कर दो, इनू कुछ भी नेम दे दो, मैं ए नेम देता। ए एंगल कितना बन गया 105 डिग्री, 105 डिग्री आ गया। हुण उन्हें की किया, सैकेंड स्टैप आप बना दें, कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री, एक्स के उपर किन्ना बनाता एंगल, मैं 105 डिग्री बनाता। अगे की कहता एक्स जैड कि होना चाहिए 4.7, एक्स वाई तो आ गया, हुण एक्स तो जैड बनेगा किस लाइन के उपर, इत्थे। तो तुसी की करोगे, जो कंपास है कंपास नू 4.7 सेंटीमीटर ओपन करोगे, एक्स पॉइंट ते रखोगे तो इस लाइन नू कट दोगे, मान लो इत्थे जी कट्टिया गया। ओके, ए की बन गया अपने कोल जैड बन गया। तो लिखोगे किवें, विद एक्स एज सेंटर एंड 4.7 सेंटीमीटर रेडियस मार्क एन आर्क विच कट एक्स ए एट जेड। एक्स के उपर रख के इनू कट करोगे 4.7 सेंटीमीटर, केड़ा पॉइंट बन गया जेड। लास्ट पॉइंट की आ गया, इन दोवों की कर दो जॉइन कर दो। तो नैक्सट स्टैप की आ गया, जॉइन एक्स एंड सॉरी वाई एंड जेड, जॉइन वाई एंड जेड, ए वाई एंड जेड आ गया, एक कि अपने को 4.7 सेंटीमीटर। तो फिफ्थ पॉइंट की अपने को, हैंस
ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज रेडी, तो अपनी ट्रायंगल बन गई एक्स वाई जेड तैयार हो गई। हुण लास्ट विच उहने की कहा सी, मेजर करो ये दोवें एंगल किन्ने आ, ये दोवें एंगल किन्ने आ। तो तुसी खुद कमेंट बॉक्स के जरूर दसना है दोवें एंगल की वैल्यू की आई है। मेरे हिसाब न यह दोवें एंगल किन्ने आएंगे 37.5 डिग्री, इतने ही आएंगे, नेड़े तेड़े आएंगे 37.5 डिग्री के नेड़े तेड़े दोवें एंगल आएंगे। तुसी की है डी की हैल्प नाल, इनू डी कहिंदे ने, डी की हैल्प नाल तुसी इनू की है मेजर करके दसोगे दोवें एंगल किन्ने किन्ने डिग्री के आए। स्टैप बाय स्टैप तुसी इनू की करना है, फॉलो करना है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहा है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इन विच लेंथ ऑफ ईच इट्स इक्वल साइड इज 5.1 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, वट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। हुण तुसीं इह की है खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ी जी हिंट देना, क्वेश्चन दे विच की क्या उन्हें दो इक्वल साइड है जिन्हां दी लेंथ किन्नी है 5.1 सेंटीमीटर, दोवां दे उपर आपां की बनाउणे आ 45 डिग्री, एंगल ए भी 45 डिग्री, एंगल सी भी 45 डिग्री है, आपां दसना किहड़ी टाइप की ट्रायंगल है। तो सब तो पहला देखो आपां नूं की गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। हुण आपां की लिखना, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, सब तो पहला एक लाइन सैगमेंट बनाओ, जिन्नी मर्जी बना लो नो प्रॉब्लम, जिन्नी मर्जी बना लो नो प्रॉब्लम। मैं इनू 6 सेंटीमीटर बनाती, जिन्नी मर्जी बना लो कोई दिक्कत नहीं है। ओके हुण आपां की लिखांगे, मैं लिखता इनू कंस्ट्रक्ट ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए सी किन्ना 6 सेंटीमीटर एक लाइन सैगमेंट। हुण की करोगे, ए दे उपर 45 डिग्री, इधरों सी दे उपर 45 डिग्री। तो तुसी देखोगे 45 डिग्री है, ए भी एंगल किन्ना है 45 डिग्री। जदों लाइन तुसी अगे वधाओगे किसी ना किसी पॉइंट ते कट देंगे, ए की बन गया अपने कोल बी बन गया। तो आ दो साइड आपस दे विच की आन गया इक्वल आन गया, ए साइड आपां दसती, मेजर करके देख लियो किन्नी किन्नी आऊगी। ओके केड़ी टाइप है ट्रायंगल दी, आइसोस्केलस। ट्रायंगल का नेम की है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइडा की होंदिया इक्वल है, दो साइडा इक्वल आने की होंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। एक क्वेश्चन तुसी खुद अटैम्प्ट करना है, तो कंस्ट्रक्शन कमेंट बॉक्स के जरूर दसनी है, तो यह भी दसना है किन्ने किन्ने डिग्री है, मतलब किन्ने किन्ने का ए वाला एंगल किन्ना बनया एंड ये साइडा किन्नी है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है। नैक्सट वीडियो के आप एक्सरसाइज 14.4 के बारे डिस्कस करांगे।